हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2016 में आए हुए क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी एट अर्थ इज वीई, मतलब पृथ्वी पर पलायन वेग वीई है, टू द स्केप वेलोसिटी एट ए प्लेनेट, तथा उस ग्रह पर पलायन वेग वीपी में क्या रेशियो होगा जिस ग्रह का, जिस प्लैनेट का डेंसिटी और रेडियस अर्थ की डेंसिटी और अर्थ के रेडियस का 2 times है। नहीं मतलब समझे, मतलब समझो, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की जो रेडियस है वो आर ई है और डेंसिटी जो है वो रो ई है, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी वी ई है। हमारे पास कह रहा है कि एक ये प्लेनेट है भाई, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, तो कह रहा है कि इस ग्रह की जो रेडियस है, यानी कि जो प्लेनेट की रेडियस है वो 2 times है अर्थ की रेडियस की, और जो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है यानी कि रोपी वो 2 times है डेंसिटी ऑफ अर्थ, रोई का मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो आपसे कह रहा है कि इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने कह दिया वीपी, इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी वीपी, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वीई और वीपी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। देखो, आपने इसके वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट 2GRE, लेकिन भैया जी इस फार्मूले से कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले में रेडियस तो है लेकिन डेंसिटी नहीं है। तो डेंसिटी का भी एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा इसके वेलोसिटी के टर्म में, यानी कि इसके वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी के टर्म में, अगर याद हो तो बताइए। फार्मूला होता वी बराबर आर ई अंडर रूट 8/3π0, ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहां कर लो रो ई। इसका कुछ मतलब समझे, इसका मतलब होगा कि 8/3π g, ये तो कांस्टेंट है, आर ई और रो ई यहां पर बदले हुए हैं, मतलब इसके हिसाब से ये बदला हुआ है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है रेडियस के और अंडर रूट डेंसिटी के। देखो ना, वेलोसिटी रेडियस के और अंडर रूट डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो रही है, तो यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा एक बार अर्थ के लिए और एक बार बनेगा प्लेनेट के लिए। सबसे पहले इस फार्मूले को अर्थ के लिए बनाओ, तो ये हो जाएगा वीई इक्वल आर ई अंडर रूट रो ई, इसी फार्मूले को बनाओ प्लेनेट के लिए, तो वीपी इक्वल आरपी अंडर रूट रोपी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा वीई अपॉन वीपी इक्वल आर ई अपॉन आरपी अंडर रूट रोई अपॉन रोपी, ठीक है। अच्छा, एकदम बढ़िया, बस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इधर आएंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, अब यहां पर वैल्यूज लिखो, वीई वीई वी तो वीई है इसके वेलोसिटी अर्थ, वीपी इसके वेलोसिटी एट प्लेनेट, ठीक है, आरई आरई है, लेकिन आरपी की वैल्यू आपको, आरपी की वैल्यू 2RE दे रखी है, ये देखो ये, तो यहां लिखेंगे 2RE, वैल्यू कहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, ठीक है, यहां पर कितना है रोई अपॉन कितना है रोपी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये हो जाएगा इनटू अंडर रूट रोई, रोई की वैल्यू तो रो ई है अर्थ की डेंसिटी, रोपी, रोपी की वैल्यू ये है टू रोई, तो ये हो जाएगा वीई अपॉन वीपी इक्वल आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट रोई से रोई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा वीई अपॉन वीपी इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू इन टू वन का अंडर रूट वन और टू का अंडर रूट रूट टू, तो बताइए इनमें रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वीई अपॉन वीपी इक्वल ये आ जाएगा वन रेशियो टू रूट टू, अरे वन अपॉन टू रूट टू टू कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा रेशियो, बताओ कौन सा वन रेशियो टू रूट टू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में जो कि आया हुआ होगा क्वेश्चन नीट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मुस्कुराते रहिए।